इलेक्शन कमिश्नर आज के जो हैं वो गुजरात कैडर के 1975 के अधिकारी हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे, उसके बाद नरेंद्र मोदी के वो मुख्य सचिव रहे। 65 साल की उम्र उनकी 23 जनवरी 2018 को हो जाएगी। इस मंगलवार को वो अपना बर्थडे मना रहे हैं और इस 65 साल की उम्र के बाद उनको नरेंद्र मोदी जी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रख सकते, तो क्योंकि वो मंडे को रिटायर हो रहे हैं इसलिए शुक्रवार को वो एक आखिरी जो बर्थडे गिफ्ट है वो नरेंद्र मोदी जी को देके जाने की कोशिश में तो मंडे को उनका आखिरी दिन है इस ऑफिस के अंदर, तो वो जाने से पहले ये फैसला करके जाना चाहते हैं। और मज़े की बात देखिए, इस चीज़ की जो सुनवाई है वो पुराने इलेक्शन कमिश्नर जैदी साहब ने की, वो रिटायर हो चुके हैं। रावत साहब ने की, उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है। नए जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उन्होंने अभी तक सुना नहीं है मामला, तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ज्योति ही ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने पूरा मामला सुना है, जितना भी सुना है, और वो अकेले पूरे कमीशन के बिहाफ पे अकेले ये इलीगल फैसला देने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो भी खबर आती है, चाहे वो ईडी प्लांट करे, चाहे वो सीबीआई प्लांट करे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन प्लांट करे, वो सारा का सारा सोर्सेस से जाता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ और दिल्ली सरकार के खिलाफ इस तरीके से काम कर रही है कि पूरी अफसरशाही, पूरा का पूरा जो तंत्र है, जिनको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनको भी आपने इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है कि इनके सरकारी अफसर भी केंद्र सरकार की दलाली कर रहे हैं। ये जो प्लांटिंग होती है, जो प्लांटेशन का काम होता है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो बिना सोर्स के। आपका कोई सोर्स है या सिर्फ आप चैनलों पर देख कर ही आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमारा सोर्स तो आप ही लोग हैं, आप लोग ही खबर चला रहे हैं, सुबह से खबर चल रही है। तो और जहाँ तक ये प्लांट की जाती हैं खबरें, तो अफसर ही प्लांट करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। और ये अफसर जब प्लांट करते हैं तो केंद्र सरकार के इशारे पर करते हैं।